समस्त प्रेस बंधु जो लड़ी आरंभ करिछि ओडिसा प्रदेश कांग्रेस कमिटी आपण मानकर सहयोग आमको मिलुछि एवं मिलिबो बोली मु आशा करुछि। आज एक जो गोटे संदेह चली जो चर्चा चली चर्चा को लेकिन आज आम ए प्रेस वार्ता आम प्रभारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी ओडिसा प्रभारी डॉक्टर अजय कुमार जी एवं प्रदेश कांग्रेस कमिटी सभापति श्रीयुक्त शरद पटनायक जी आम सागर उपस्थित अच्छा कैबिनेट कमिटी चेयरमैन श्री विजय पटनायक जी एवं आम सोशल मीडिया चेयरमैन श्री अमीय पांडव जी। आज ये संबोधन प्रेस संबोधन अजय कुमार जी करवा पूर्व मुझे रिक्वेस्ट करुच्ची गोटे छोट भिडियो आपको दुई मिनिट कर देखिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस है और आज की शादी में आप सब लोग शामिल होने के लिए इसके लिए आपके आप सब लोग को धन्यवाद। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद चाय और नाश्ता का भी व्यवस्था है जैसे हर जगह हर शादी में होती है। आदरणीय शरद पटनायक जी, विजय पटनायक जी, विश्व रंजन जी, अमीय जी और उपस्थित हमारे पास देखिए पिछले 23 साल से भारतीय जनता पार्टी और बीजेडी का एक लिविंग रिलेशनशिप चल रहा है और उड़ीसा उड़ीसा में और पूरे भारत में कोई भी गार्डियन जो है पेरेंट्स माँ बाप जो है ये लिविंग रिलेशनशिप कोई नहीं पसंद करता, किसी की भी सहमति नहीं हो सकती। तो इसलिए कांग्रेस के सीनियर लोग ने बैठ करके बोला सोचा कि ये ठीक नहीं है समाज के लिए, हमें अफसोस है कि ये 23 साल से लिव इन रिलेशनशिप है, तो हमने कहा कि हम इसका शादी करा देते हैं ताकि समाज में बदनामी नहीं हो। तो हमारा सिर्फ यही समाज को बचाने के लिए, हमें कोई कोई वैसे कोई आपत्ति नहीं, इनकी मान सम इन्हीं की इज्जत बचाने के लिए, बीजेपी और बीजेडी के इज्जत बचाने के लिए हम ये सब कर रहे हैं। तो बीजेपी और बीजेडी लोगों को बोल कृपया बोल दीजिएगा कि हम इनके शुभ चिंतक हैं, समाज में बदनामी हो रही है, हम बदनामी नहीं चाहते। तो इसलिए शादी का जो है एक औपचारिक आज कार्यक्रम है और पिछले 23 साल में 7 फेरा जो पहले ही जो है बीजेपी जो है 7 फेरा का जो जो काम किए उसके बारे में जानकारी दूंगा। पहला फेरा है लैंड एक्विजिशन बिल जिसमें इस देश के गरीब आदिवासी किसान के जमीन को हड़पने के लिए जिसको वापस लिया बीजेपी सरकार ने जब देश भर में विरोध हुआ। आपको याद होगा राहुल गांधी जी ने जो एक मुहिम छेड़ा था उस समय बीजेपी ने गरीब का जमीन को सस्ते भाव में लेने का जो षड्यंत्र था बीजेपी ने बीजेपी को पार्लियामेंट में सपोर्ट किया। तो ये हुआ पहला फेरा, फर्स्ट फेरा। सेकेंड फेरा क्या है कि डीमोनेटाइजेशन जैसे कुक करा जिसमें सब बर्बाद हो गए, जिसकी अभी भी उसके जो खराब नतीजे क्योंकि डीमोनेटाइजेशन से ना तो पैसा भी कम हुआ वापस उतने उससे ज्यादा पैसा आ गया, कैश आ गया देश में, इंडस्ट्रीज बर्बाद हुए, कोई जो है चोरी नहीं पकड़ी गई, सिर्फ भाजपा वाले ने अपने सब ब्लैक मनी को अवॉइड कर दिया और जीएसटी। तो ये सेकेंड फेरा था पार्लियामेंट में डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी का सपोर्ट बीजेडी ने बीजेपी को किया, सेकेंड फेरा। थर्ड फेरा है कि अश्विनी वैष्णव को सपोर्ट किया राज्यसभा चुनाव में, देख लीजिए क्या संबंध है। बीजेपी वो सपोर्टेड बाय बीजेडी फॉर अश्विनी वैष्णव इलेक्शन। चौथा फेरा प्रेसिडेंट और ये सॉरी थर्ड फेरा में उन्होंने प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट को भी सपोर्ट किया। चौथा फेरा जो है ईडी और सीबीआई का है, कोई भी ईडी सीबीआई जो है नवीन बाबू पांडेन जी के पीछे नहीं है, कोई भी नहीं। सबसे बड़ा स्कैम माइनिंग स्कैम, रोड स्कैम, ये स्कैम, लेकिन कोई ईडी सीबीआई जो है कभी भुवनेश्वर नहीं पहुंचा। फोर्थ फेरा, फिफ्थ फेरा जो है बीजेपी एमपी जो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सीए जिसमें सभी ट्राइबल्स के जो पूरे देश में एक हंगामा हुआ उसमें उन्होंने सपोर्ट किया। सिक्स्थ फेरा राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आरटीआई को डाइल्यूट करना कमजोर करना उसमें जो बीजेपी ने सपोर्ट किया बीजेपी को।
अब देख लीजिए जहां जहां पब्लिक के खिलाफ में कानून जो आए उसमें बीजेडी ने बीजेपी का साथ दिया और बीजेडी बोलते हैं हम पब्लिक के लिए काम करते हैं, जो भी कानून राइट टू इंफॉर्मेशन को कमजोर करना। सेवन, माइनिंग स्कैम, चिटफंड स्कैम, जितने भी ममिता मेहर मर्डर स्कैम, महंगा डबल मर्डर केस जिसमें कैबिनेट मंत्री नवोदास और सब लोग सम्मिलित हैं, उसमें कोई कार्रवाई नहीं। व्हाई इज बीजेपी साइलेंट ऑन दिस इश्यू? सेटिंग है बॉस। तो हमारा कहना है बीजेडी इज द ब्रांड एम्बेसडर एंड अ पार्टनर इन लाइफ विद बीजेपी, क्योंकि जितने भी पार्लियामेंट में वोटिंग हुए हमेशा हमेशा बीजेपी के साथ इन्होंने जो है, और यहां पर कुश्ती कर रहे हैं, वहां पर दिल्ली में हाथ पकड़ते हैं और लोधी पार्क में घूमते हैं और यहां पर कुश्ती का नाटक करते हैं। ये कैसा चक्कर है यार? वैलेंटाइन डे में जो हाथ पकड़ करके घूमते हैं दिल्ली में लोधी के लोधी पार्क में, और यहां पर जो नाटक कर रहे हैं कि हम लोग एक दूसरे के खिलाफ हैं। तो इसीलिए हम एक पीसी के बाद आप सब लोग हम लोग बाहर जाएंगे और शादी में शामिल होंगे। उससे पहले मैं हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय शरद पटनायक जी से अनुरोध करूंगा कि वो आपको संबोधित करें। माननीय शरद पटनायक जी। थैंक यू सर। प्रसिद्धवा मीडिया सेल का चेयरमैन सदैव विश्वबाबू, न्यायशिशर अमर इंचार्ज परम आदरणीय डॉक्टर अजय कुमार जी, कैंपेन कमेटी चेयरमैन श्रीयुक्त विजय पटनायक महोदय एवं सोशल मीडिया के चेयरमैन सदैव अमय बाबू, बंधुगण, बीजेडी एवं बीजेपी संपर्क यहाँ महान नुह 2000-2009 पर्यंत मिसिक ओडिशा रे शासन करुथिले एवं से मानक शासन समय रे जहाँ किसी घटी आपण मैंने आमठू अधिक जानते समय से वेदांत इश्यू आपण मैंने जानते से सुप्रीम कोर्टर माननीय सुप्रीम कोर्टर स्ट्रक्चर आसी सारी आर से बीजेपी और बीजेडी दुईज जाक मिसिक आज पर्यंत से जमी भी आज फेरे ना। नवदास हत्याकांड गोटे कैबिनेट मिनिस्टर तार हत्याकांड एटी हो गला ओडिशा रे नवीन पटनायक मुख्यमंत्री होम डिपार्टमेंट मंत्री अल इन सर्वसर्वा बीजेडी रो जे पांड्यान मिस्टर पांड्यान समस्ते थाई से कथा आज पर्यंत चुप हो रहा ना सेंट्रल बीजेपी बाला आसिक साहय कले ना सीबीआई आसला ना कि आस ममिता मेहर मर्डर केस आप देख से चुप होकर रहीगले से आज पर्यंत तार किसी हैलानी बैस सजा होगा ये पूरी रहीगले नो सीबीआई नथिंग कई आसी समर्थन करें चिटफंड केस टू आरंभ कर माइनिंग स्कैम टू आरंभ कर सबकिगला कितु सेठ सीबीआई आसिक केवल फम कर चलीगले कि आज पर्यंत से कार्यक्रम करें ना केवल 60,000 crore टंकार जो फाइन है सेटा भी पूरा पैसा आज पर्यंत देना कि नन अफिशियल देखा गले 2,00,000 crore टंकार माइंस काम होशारे समस्त जानते ये प्रकार भाव में अश्विनी वैष्णव जो राज्यसभा प्रार्थी भाव बीजेपी देजेडी समर्थन करके रखे जो चाषी बिल आसला केन्द्र में आने बीजेपी बीजेडी से समर्थन जितने पार्लियामेंट बिल पास होती सदा सर्वदा से मानू से माने सपोर्ट करेणु आज जो कार्यक्रम करा जाए कांग्रेस दल तरफ डॉक्टर अजय कुमार जहाँ जहाँ आपको कही जाइंट निराट सतकथा एवं आगामी दिन में जोटा होगा को जाऊ दीज जाक मिसिक इलेक्शन लड़े और गुप्त बुझाणा जोटा रही नुह बीजेडी और बीजेपी विकल्प एकमात्र दल हूँ से कांग्रेस मुझे आज कही बीजेडी रो 24 वर्ष शासन रे
जो प्रकार अंदर दुर्नीति बुड़ी रही थी सरकार जो इलेक्ट्रिक काम को आरंभ कर 20,000 कोटी टंका दे आगुरी अभी पुणी 15,000 कोटी टंका देवा योजना करते कंट्राक्टर आसिक करमधाम ओडिशा कंट्राक्टर मान को खाली ईटा और बाली बोवाप सुजोग दि जाए यह पांडियन राज ये हूँ तमिल राज जोटा कि ओडिशा लोक बरदास्त करेंगे ना कि आम कोरे दबा को चाहूनु कि कोरे देवुना कंग्रेस पूरा दृढ़ भाव ठिया है ओडिशावासी पछाड़े और कंग्रेस से राज रास्तार ओब एवं ओडिशा के तमिल शासन करने को दिजो ना कि पांडियन राज चलने को दिजो ना जदि नवीन पट्टनायक साहस अच्छी तेल शीघ्र बाहर ओडिशार जो दाबी जाक रही जनसाधारण जो न्याय दाबी जाक रही जदि तक ठीक भाव कार्य करने इच्छा शक्ति अच्छी जो लोग विजन ना कि ना नथिंग 24 वर्ष भितर ओडिशा गोटे दरिद्र राज्य भाव परिणत करदे जहाँ बीजेपी कहला ता से बीजेडी करुच्छे बीजेडी एवं बीजेपी भाई भाई आईशा को वर्तमान जो प्रकार गोटे दरिद्र राज्य भाव परिणत करसी के बरदास्त करेंगे ना आगामी 2024 निर्वाचन तार बदला निश्चित भाव में ओडिशावासी देवे यहाँ समस्ते जा सारे तेणुक जुआड़े गले भी जमी हजार हजार लोक समर्थन मिलू कांग्रेस दल को कल कलाहांडी जिलूर आम आसला भक्तभाव से जोटा थी नेतृत्व में हाराहारी 20,000 अधिक लोक कल मीट था मुझे डॉक्टर अजय कुमार से फेरुँ जो जनसमर्थन कांग्रेस प्रति मिलू से बीजेडी बीजेपी जोटा छानिया दिज आग मिसिक अच्छा तार आज जोटा डॉक्टर अजय कुमार जी कहे आपण मैंने भल भाव जानते प्रकार भाव से अच्छा तार एकमात्र दल हो विकल्प दल कांग्रेस दल आगामी दिन में ओडिशावासी आशीर्वाद रु निश्चित भाव में ओडिशार कांग्रेस दल प्रति जनसाधारण समर्थन रहा आशीर्वाद रहा परिवर्तन सुनिश्चित जोटा आम आगुरी कही आई परिवर्तन गोटे लहर आरंभ हो गला ओडिशार परिवर्तन निश्चित भाव में हो जमी कम्युनिस्ट पार्टी 24 वर्ष 25 वर्ष वेस्ट बेंगल गला ये ठीक भाव में 24 वर्ष नवीन पट्टनायक सरकार पतन सुनिश्चित ओडिशावासी तार बदला निश्चित भाव में देवे 2024 निर्वाचन में 2024 निर्वाचन कांग्रेस वर्ष हम ओडिशावासी वर्ष हम विश्वास धन्यवाद।